उसने कहा कि अभी मुझे छोड़ दो बस क्योंकि वो एग्रेसिवली उसे रोकता होगा तो उसने भी गुस्से में आगे वर्शिपर ने क्या कहा द दर्शिपर सेट बाय अल्लाह अल्लाह की कसम अल्लाह विल नॉट फॉर गिव यू और एडमिट यू इन टू पैराडाइज अल्लाह की कसम अल्लाह तो ये माफ नहीं करेगा द प्रॉफिट प्रोफिट लेटर देयर सोल्स वर टेकन एंड दे मेट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह दे मेट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह सेट टू द शिपर डिड यू हैव नॉलेज ऑफ मी और पावर ओवर वट इज इन माई हैंड क्या तुझे मेरा इतना इल्म था या तूने मेरी को पावर ऐसी देख ली थी जिसकी बेसिस पे तूने उसे ये बात कर दी कि मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा अल्लाह सेट टू दिनर एंटर पैराडाइज बाय माय मर्सी एंड अल्लाह सेट टू दर्शर टेक हिम टू दल्फ़ आय एंड अबू हुरैरा ने इस पे कमेंट किया है बाय द वन इन हुज हैंड इज़ माई सोल ही स्पोक अ वर्ड विच वर्ल्ड एंड दफ्ट उसने अल्लाह के बारे में बगैर नॉलेज के एक ऐसी बात कर दी जो अल्लाह को बहुत नापसंद आई और उसने बंदे को नाउमीद कर दिया अल्लाह तआला से उसने बंदे को ना उम्मीद कर दिया अल्लाह की रहमत से इसीलिए शैतान बहुत बड़ा क्रिमिनल है क्योंकि हमें ना उम्मीद करता है पहले हमसे गुनाह करवाता है फिर उस गुनाह पे हमें प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है रिग्रेट दिलवाता है एक्सट्रीम रिग्रेट दिलवाता है उसे मोमिन को बिलीवर को दुख दे के मजा आता है वो हँसता है लोगों को आपस में लड़ते देख के वो हंसता है गुनाह करवाता है फिर गुनाह को बढ़वाता है फिर डीमोटिवेट भी करता है फिर डीमोटिवेट करके मजीद गुना करवाता कर है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आता में अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है एक वक्त आता है इंसान का दिल सख्त हो जाता है और इंसान अल्लाह से तोबा ही नहीं करता और इब्ने कईम ने इसी कहा कि फियर अ टाइम डर उस वक्त से वन अ सिन बिकम्स अ रूटीन जब गाह तेरी रूटीन बन जाए उस वक्त से डर क्योंकि ये निशानी है कि अल्लाह तुझसे उससे इतनी भी तौफीक नहीं हो रही कि गुनाह करके अल्लाह को पुकार लो अल्लाह से तौबा कर लो और इसके बारे में एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सेड अल्लाह के एक बंदे ने गुनाह किया और उसने कहा या रब्बी फॉरगिव मी ओ अल्लाह फॉरगिव मी अल्लाह सेड माय सर्वेंट हैज कमिटेड अ सिन एंड होल्ड्स हिम अकाउंटेबल सो अल्लाह फॉरगिव

जो उसके गुनाह माफ़ फरमाता है इसलिए मैं अपने बंदे को माफ़ कर रहा हूँ यहाँ तक के ही मीट्स इज लॉर्ड क्या साबित हुआ कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज रिपेंट आदम के तमाम औलाद जो है वो गुनाह करेगी लेकिन बेहतरीन वो हैं जो रिपेंट कर लेंगे जो अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज कर लेंगे जो रब से माफ़ी मांग लेंगे उनके लिए तोबा है अल्लाह के बारे मेंदीसीसे कुत्त हदीसे कु होता है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो डायरेक्टली अल्लाह को कोट करें अल्लाह उलमायटी सेज़ अबू हुरैरा हरला से मरवी हदीस है हदीस कुछ सी अल्लाह उलमाइटी सेज़ आई एम एज़ माई सर्वेंट एक्सपेक्ट्स ऑफ मी मैं ऐसा हूँ जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है आई एम विद हिम एज ही रिमेंबर्स मी इफ़ ही रिमेंबर्स मी इन सेल्फ आई विल रिमेंबर हिम इन माई सेल्फ अगर वो मुझे अपने आप में याद रखता है तो मैं उसे अपने आप में याद रखता हूँ इमेजिन करें जो बंदा अल्लाह को पुकारता है याद रखता है दिल में अल्लाह से बातें करता है या नमाज़ में बातें करता है या वैसे ही हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह ताला उसको रिस्पॉन्ड भी करता है और अल्लाह उसको याद भी करता है इफ़ ही मैंशन मी इन अ गैदरिंग आई विल मैं हिम इन अ ग्रेटर गैदरिंग वी आर लकी तो अल्लाह कह रहा है कि जो मुझे गैदरिंग में याद करता है मैं उसे उससे बेहतर गैदरिंग में याद रखता हूँ अब देखिए हम यहाँ अल्लाह की बात कर रहे हैं अल्लाह की हम बयान कर रहे हैं इन मेरा बिलीफ है अल्लाह हमारी बात वहाँ किसी बेहतर इससे बहुत बेहतर गैदरिंग में फरिश्तों के साथ अब अल्लाह आलम लेकिन यह कि अल्लाह ने गारंटी दी है कि जो कोई मुझे मेंशन करता है किसी गैदरिंग में मैं उसे मेंशन करता हूँ इससे ग्रेटर गैदरिंग में वैन ही ड्रॉज नियर मी बाय द स्पेन ऑफ हिज हैंड जब वो मेरे करीब आता है एक हाथ के फ़ासले के तो यानी इतने डिस्टेंस के एक स्टेप लेता है आई ड्रॉ नियर हिम बाय द लेंथ ऑफ अ क्यूबेट तो मैं एक मीटर या एक क्यूबिट के फ़ासले से उसके करीब आता हूँ ये एक मेटाफोरिकल बात है कि जब तुम पहला स्टेप लेते हो तो अल्लाह ताला उसके रिटर्न में डबल द स्टेप्स या टेन टाइम स्टेप लेता है साबित क्या हुआ कि हमें शो करना पड़ेगा अल्लाह को कि मैं आना चाहता हूँ आपकी तरफ हमें यह शो करना पड़ेगा कि अल्लाह मैं चाहता हूँ बेहतर बनना मुझे गाइडेंस चाहिए मुझे अच्छा बनना है मुझे पर्पज़ ऑफ़ लाइफ समझ आ गया कि पाइटी इज़ दर्पज़ ऑफ़ लाइफ नेक बनना है परहेजगार बनना है मुझे अपनी खामियों को दूर करना है ये शो करना पड़ेगा अल्लाह को जब हम एक स्टेप लेंगे अल्लाह ताला एक हैंड के बराबर कदम लेंगे अल्लाह एक क्यूबिट के मुताबिक हमारे पास आएगा और फिर कहा वैन ही ड्रॉज नियर मी बाय द लेंथ ऑफ अ क्यूबिट और जब वो एक लेंथ ऑफ अ क्यूबिट मेरे करीब आता है आई ड्रॉ नियर टू हिम बाय द लेंथ ऑफ अ फैथम तो मैं इससे भी ज़्यादा लेंथ से एक फैथम के लेंथ से उसके करीब आता हूँ क्या साबित हुआ कि अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा ईगर है आपके करीब आने के लेकिन यू हैव टू शो हिम फ्री विल है ना अगर वैसे ही हर बंदे को हिदायत आ जाए यहाँ पे कोई बचे ही ना अल्लाह का मुनकर तो फिर वो कल को ये कहेंगे जी कि फ्री विल ही नहीं दी थी हम रोबोट्स थे हमें तो बस वो एक रोबोटिक वो बनाकर भेज दिया था कि बस मेरी इबादत करो तो कितनी खूबसूरत बात है कि तुम शो करो और फिर देखो मेरे आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है अपनी फ्री विल से आओ और फिर देखो मैं आगे से कैसे रिस्पॉन्स करता हूँ